बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से आप लोगों की दुआ से मैं भी ठीक ठाक। तो वेलकम बैक टू फिजा की लाइफ में ट्रेंड्स। आज है चांद रात और आज आखिरी रोजा है। रोजे सच में इतनी जल्दी जा रहे हैं, कैसे रोजे चले गए, ये महीना तो बिल्कुल पता ही नहीं चला कि रोजे कैसे चले गए। फ्रेंड्स एक खुशी भी थी कि ईद आ जाएगी, ईद आ जाएगी। अब ईद करीब आ गई है, रोजे जा रहे हैं, तो अब ऐसा लग रहा है। और वैसे भी रोजे जा नहीं रहे हैं, रोजे तो दोबारा आ जाएंगे। बस हम इंसान हैं जो पता नहीं हमें रोजे फिर नसीब होंगे या नहीं होंगे, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये फिर हम सुबह जल्दी ऐसे उठेंगे नहीं, ऐसे तैयारी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। बड़ी मतलब होती सब चीज़ें हैं, पर जो खुशी एकदम रमजान में होती है ना हर चीज़ की, और इतना अच्छा सब आपस में सब पूरा इतना अच्छा लगता है, सब बातें करते हैं। ये नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे ही रहता है, पर फिर भी जो एकदम वो अलग ही रमजान वाली वाइब होती है ना, वाइब बोल रमजान वाली वाइब होती है ना, वो अलग ही होती है, बहुत ही अच्छी होती है। आखिरी रोजा है, कमेंट्स में जरूर बताइए कि आज का रोजा किस किस ने रखा है। अल्लाह का शुक्र से हमारे पूरे चल रहे हैं और आप लोगों के भी पूरे चले होंगे, अल्लाह का शुक्र है। घर में तो मेरे हबी के, अफान के, बाजी के चार जनों के रोजे पूरे चले हैं माशाल्लाह, अल्लाह के शुक्र से। और तो फूफा फूफी हैं, उनके थोड़ी सी पानी की दिक्कत हो जाती है, ये थोड़ी सी फूफा के सर में दर्द होता है, इस वजह से उन्होंने रोजे नहीं रख पाए, पर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगले साल कोशिश रहेगी। आज रमजान का आखिरी दिन भी है, तो अब मैं ऐसे ना ऐसे मतलब इस तरीके से ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, सुबह ही सुबह उड़ जाती थी, ये दिखाती थी, वो दिखाती थी, इस तरीके से ब्लॉग नहीं बनाऊंगी। ब्लॉग तो बनाऊंगी मैं, और इस तरीके से बनाऊंगी जैसे मैं इधर दिखाती थी उधर दिखाती थी, सुबह सुबह उठती थी, सारी मम ये खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, अब तारी में ये कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, जैसे ये साल गया तो फिर अगले साल भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगर जिंदा रहे तो रमजान में। चलिए सहरी कर लेते हैं, बातें बहुत ज़्यादा कर ली है, मैं जल्दी उड़ गई थी, मैंने आज मेरे को बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से, इसलिए मैं जल्दी उड़ गई थी। अब मैं जल्दी से सैरी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। तो आज हैं पराठे, अचार और आलू की सब्जी। ओ भाई सहरी तो हो चुकी है और बाहर का व्यू थोड़ा सा दिखाते हैं, चलिए। तो ये देखिए आज ना हमारी गली बड़ी साफ सुथरी लग रही है, अभी जा रहे हैं नमाज पढ़ने। चलिए नमाज पढ़ लेते हैं फिर मिलते हैं। फ्रेंड्स मैंने नमाज भी पढ़ ली है और अब नमाज पढ़ने के बाद मैं अब काम अपने करूँगी, क्योंकि आज बहुत सारे काम है, आज बहुत बिजी डे है। वैसे तो मैंने अपने धीरे धीरे सफाई वगैरह कर ली थी, पर आज भी आज बहुत सारे काम हैं, सफाई है, बहुत सारी और चीज़ें देखनी है, तो आज का दिन बहुत बिजी होने वाला है मेरे लिए। और मैंने मेहंदी पहले ही लगा ली है, ये देखें, मैंने सिंपल लगाई है इस बार, मैंने कुछ खास नहीं, बिल्कुल सिंपल लगाई है, इसलिए मैंने एक हाथ में तो लगा लिया क्योंकि एक हाथ में ही मैं लगा पाती हूँ, दूसरे हाथ में देखती हूँ अगर बाजी लगा देंगे तो सही है, वरना तो कोई बात नहीं, ऐसे ही चलता है सब। मैं मिलती हूँ आप लोगों से सुबह, जो भी होगा जैसा भी होगा सब कुछ दिखाएंगे, चलिए। तो फ्रेंड मैंने डेकोरेशन के लिए बाउल निकाले थे और इसके अंदर आप लोगों को पता ही है ये वाले बबल्स डलते हैं, ये तो छोटे छोटे होते हैं ना, ये वाले डलते हैं, जब ये बड़े हो जाते हैं तो अच्छे लगते हैं, तो मैं इस पानी में मैंने देखो थोड़े से डाल दिए हैं, अभी मैं और डाल देती हूँ। वो तो कैसे होते हैं, एकदम थोड़े से ही होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से, और अभी देखना कितने बड़े हो जाएंगे ये, तो पानी में जाते ही ये थोड़े थोड़े बड़े दिखने लगे हैं ना ऑलरेडी, अभी से शाम तक रखा रहने, फिर इसके बाद बड़े हो जाएंगे। ये डेकोरेशन के लिए सामान निकाला था मैंने, अभी डेकोरेशन करूँगी। अभी रूम देखिए फाइनली मेरा ऐसा रूम है, अभी मेरे को थोड़ी सी डेकोरेशन करनी है वाली, वहाँ पे करूँगी उस वाली वॉल पे थोड़ी थोड़ी इधर करूँगी, थोड़ी वहाँ पे करूँगी और सब कुछ दिखाऊँगी फाइनल जब हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो आप ऐसे ही देख लीजिए, ऐसा है अभी मेरा रूम, ठीक है। ये देखिए फूफी सामान लेकर आई है, दूध है, खीर वीर बनेगी समय है इसलिए, वो चावल है और ये अंडे। ये देखिए फूफी के पैर में मेहंदी लग चुकी है, हाथों में देखिए ये लगा ले, चलता पीछे भी ऐसी वाली लगा लेते ना। तो ये देखिए केकशा नहाकर आ चुकी हैं और केकशा कुछ बता रही थी, सुबह तो ये हो गए। हाँ सुबह मैं अम्मी चलूंगी 20-30, सुबह तो ये हो गए। अच्छा उनके यहाँ भाभी के यहाँ 20-30,
कितना होगा? 60 में होगा। हाँ। और ये देखिए इसमें चटनी बन चुकी है। अभी वो मटर ये नहीं पर ऊपर से पत्तियों में। तो पहले कहाँ हुई हो? कल पूछे तेरे तुमने नहीं बताई। कैसे? फटी है ये अभी काफी दिन से अभी नहीं बोला। भाई नहीं बताया तो झूठ गलती में। पहले से बोलते हैं जब ध्यान ही नहीं कर जब जबरदस्ती लगाई दवाई तो बोल रहे हाँ कुछ थोड़ी चीज अगर है दिक्कत तो उसे दिखाई ना कोई बड़ी हद तक भजन पैर खराब हो जाए फिर अंदर तक जख्म हो गया उनका देवराज नहीं कितना अच्छा सपना देखा वाली हमने कि मुझे ना आईफोन 14 प्रो मैक्स मिल गया इनाम में मैं इतनी खुश क्या बताऊँ फिर मैं गई खेलने ना गोपियाँ ना फिर अपने फोन दे दिया ना फिर बोल दिया फिर मैं रोई लेकिन कुछ हुआ तो नहीं बहुत सही चला फिर रोई है ना फिर मैं आई फिर तुम कहीं थोड़ी बहुत चला देना फिर भी चला देना फिर भी चला देना फिर उसका भी मजा आ गया चुप रहने को तो कल चलो महीना ऐसा है कि पूरा महीना दिन हो जाता आज इतने रोज आएंगे कल इतने रोज आएंगे परसों टाइम देखो अब तो बेचारे भारी कम जो चालू पंडित टू बेल तो सामने लेना था कम्बल अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो हम लोग छत पर आए थे आज चांद देखने के लिए तो मैंने कहा इस बार तो चांद आप लोगों को जरूर दिखाना है ईद का। तो अभी ना ईद का चांद मैंने देख लिया है और आप लोगों को दिखा दूँ थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है दूर है बहुत ही कुमार ये देखें माशाल्लाह बहुत दिनों बाद देखा मैंने चांद ईद का खुशी देख सकते हैं यहाँ पे सब अपनी छत पर दिख रहे हैं अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा पर सब छत पे हैं छत सब चांद देखने के लिए आए हैं छत पर माशाल्लाह मस्जिद कितनी अच्छी लग रही है और फुप्पी को अभी से ईद मुबारक हो आपको भी तो फ्रेंड्स अभी मैं चांद देखकर ऊपर से आ चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है फ्रेंड आप सभी को मेरी तरफ से चांद रात मुबारक हो और कल ईद है माशाल्लाह तो आप लोग ऐसे सुबह ही मिलेंगे अभी तो फिलहाल हम जो जो कर रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं अभी मैं नीचे आ चुकी हूँ खाना बनाने जा रही हूँ आज खाने बनाएंगे हम दाल चावल मसूर की दाल और चावल तो मैंने कहा उसकी क्या रेसिपी दूँ मैं देती रहती हूँ और मैं बनाने जा रही हूँ अभी खीर क्योंकि खीर मैं बनाती हूँ ना मेरा हमेशा खीर में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मैं घर पे ही खोया बनाती हूँ वैसे तो लोग बाहर से मंगा के बना लेते हैं पर मैं तो घर पे ही बनाती हूँ तो खीर भी बहुत अच्छी बनती है जो अपने घर की बात होती है वो बात ही अलग होती है। तो फ्रेंड देखिए ये मैंने दूध रख दिया है उबलने के लिए और इसे का मैं खोया बनाने वाली हूँ ये 4 किलो दूध है अब ये बिल्कुल 2 किलो दूध बच जाना चाहिए ठीक है क्योंकि हमको आधा करना है बिल्कुल दूध को तो ये खीर के लिए रखा है दूध इधर चावल बना रही हूँ मैं तुम भी मेहंदी लगवाओगी क्या नाम है तुम्हारा नाम भूल जाती हूँ साबिया यहाँ तक लगवाओगी लगवा ली थी यहाँ तक चलो ठीक है मैं तुम्हारा नाम भूल जाती हूँ सादिया तुम लोगों को मिलता है इनका साबिया तुम्हारा सादिया है अच्छा ये दा है ये बा है साबिया सादिया ये देखिए सादिया और साबिया की ये ये है साबिया के लगाइए कैसी लग रही है मेहंदी तुम्हें अच्छी लग रही है और ये लगाइए सादिया के सादिया को कैसी लग रही है अच्छी ये देखिए सादिया मेरे लगा रही है मेहंदी पोटरे लगा रही है तो फ्रेंड देखिए मेरी खीर जो वो रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स अभी मेरी खीर भी बन चुकी है और अभी बज रहे हैं रात के 1:30 और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए मिलूंगी आप लोगों से सुबह क्योंकि कल है ईद तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे तब तक नहीं यहीं पर ही एंड कर देते हैं व्लॉग को नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है ईद वाला तो ज़रूर देखना जाके प्यार देना सपोर्ट करना और बस सपोर्ट करते रहना तो अच्छा लगा व्लॉग तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अपनी पिज़्ज़ा को दुआओं में याद देखिएगा।